दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, नींद आना एक बहुत ही सामान्य सी घटना है, लेकिन सुबह जब नींद खुलती है तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार होते हैं। ये विचार रात में चल रहे उन सपनों की वजह से ही आते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी निद्रा सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ही खुलती है। ये अलग बात है कि उसके बाद वापस से उन्हें निद्रा आ जाती हो, लेकिन एक बार के लिए उनकी नींद 3 से 4 बजे के बीच तो खुल ही जाती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही नींद हल्की हो जाती है या नींद खुल जाती है? तो ये आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच नींद का खुलना कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक बहुत ही खास बात है, ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इसके द्वारा आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपके आसपास कौन सी चीज़ें घटने वाली हैं, किसी के जीवन में क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे ऐसे राज जिनकी भी नींद 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुलती हैं, उन्हें जरूर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी इंट्यूशन काफ़ी मजबूत होती है। इसका मतलब है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्हें पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। देखने में तो ये लोग बहुत ही सामान्य दिखते हैं, लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ भी नहीं होता। इनके आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं और इनका व्यवहार इन्हें किसी से भी अलग और बेहद खास बनाता है। कहा भी जाता है जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है वे आध्यात्मिक रूप से गिफ्टेड होते हैं, उन्हें स्वयं देवीय शक्तियों द्वारा एक खास तोहफे से नवाजा गया होता है, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है, बशर्ते उसका प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाए। अच्छा, ज़्यादातर जिन भी लोगों के साथ ऐसा होता है उनको ये तोहफा मिला होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। अगर आज ये खूबी, ये खास चीज़ें आपके पास हैं, तो संभव है कि आपसे पहले आपके पीढ़ी में और किसी के पास ये गुण रहा होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है या जिसे स्वयं दैवीय शक्तियों से इस तरह के तोहफे प्राप्त होते हैं, उसे कुछ ऐसी सेंसेशन होती हैं जिनका संबंध इस दुनिया से नहीं होता है। उनका अचानक से आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में परिचित नहीं होता है। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं और अक्सर इनके घटित होने के पीछे जो कारण है उसको जानने की कोशिश में भी ये लगे रहते हैं। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे संकेत जो इस बात को पुष्ट करने वाले हैं, इस बात पे अपनी मुहर लगाने वाले हैं कि व्यक्ति स्पिरिचुअली ही गिफ्टेड है। कुछ लोग इसे दिन में सपने देखना कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई बड़ी खूबी आध्यात्मिक तोहफे में मिली होती है उन्हें अक्सर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में इन्हें विजन कहा जाता है। आप इन्हें दिन में सपने देखने जैसा समझ सकते हैं, लेकिन यह सपने या विजन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपके साथ या आपके किसी अपनों के साथ बड़ा संबंध होता है। या तो वे घटनाएं कहीं घट रही होती हैं या जल्द ही घटित होने वाली होती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं को भी मानती हूँ। हमारे सामने कई ऐसी घटनाएं आती हैं जो मुझे सुनने के बाद और मालूम होने के बाद मुझे पता रहता है कि ऐसा तो पहले हुआ हुआ है, ऐसा मैंने देखा है, मैंने सुना है। वास्तव में जब ये चीज़ें हमें लग रही होती हैं तब हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, दिमाग से उसे झटक देते हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले से ही आपको आभास दे देती हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये घटना एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने चलने लगती हैं।
दूसरा जो मैं संकेत बता रही हूँ, यदि इन सारे सवालों का जवाब आपका हाँ है तो समझ लीजिए कि वास्तविक जीवन से कोई बड़ा संबंध है। क्या अक्सर आपको सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद रख पाने में सफल होते हैं? क्या आपको कोई भी सपना अक्सर एक जैसा ही आता है? अगर आप इन तीनों के सवाल के जवाब हाँ में देते हैं तो संभव है उनका आपके वास्तविक जीवन से संबंध है। आपको बताऊं, अगर कोई दैवीय शक्ति आपसे संपर्क कायम करना चाहती है तो उसके लिए वह सपनों का माध्यम चुनती है। सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई एक सपना बार बार नजर आता है, यह सपने में किसी अपने के साथ आपको कुछ अच्छा या बुरा होता दिखाई देता है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। संभवतः शक्तियाँ आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड व्यक्ति की ही पहचान है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह सूर्योदय से 90 मिनट पहले की अवधि को बेहद ही खास माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है यह समय देवी शक्तियों का भौतिक जीवन में प्रवेश होता है। दिन के इस समय में वे मनुष्य के साथ संपर्क करने का प्रयास करती हैं। आपकी नींद बिना किसी बात के ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप खुलती हो तो आपको ये समझना चाहिए कि शक्तियाँ आपको कुछ कहना चाहती हैं। आपको उनके इशारे को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि अक्सर लोग इस तरह की शिकायत करते हैं, उन्हें अक्सर सपने में बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, बुरे सपने परेशान करते हैं। तो हो सकता है शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उनकी बातों को आप उतनी गहराई से नहीं लेते हैं, तब जो ये दैवीय शक्ति होती हैं, दैवीय ऊर्जाएं होती हैं, वो आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती हैं। पहले तो ये ऊर्जाएं आपको बड़े आराम से उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अगर आप उनके इशारे को नहीं समझते हैं तभी वो आपको बुरे सपने दिखाती हैं ताकि आपकी निद्रा टूटे और आप उनसे बातें कर सकें, उनसे संपर्क कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप में कितनी बड़ी खूबी है और इस खूबी का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। कुदरत ने बहुत बड़ा आपको तोहफा दिया है। इस चीज़ का आप इस्तेमाल करें, इन्हें समझें और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।